अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ इब्राहिम अवैस और आप देख रहे हैं करंट जॉब्स इन्फो। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी में न्यू जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है। इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसके एडवर्टाइजमेंट कहाँ से डाउनलोड करनी है और इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखना और जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी नई से नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपने जॉब्स अलर्ट की वेबसाइट को ओपन करना है। ये आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो गया है, इसके ऊपर लिखा हुआ है jobsalert.pk। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जॉब्स अलर्ट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ये लेटेस्ट न्यूज़ आपके सामने नज़र आ रही होगी, ज्वाइन पाक नेवी एज सिविलियन जॉब 2022। आपने इस अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर को तो इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड, इसकी एजुकेशन जो है वो मिडिल और मैट्रिक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अनाउंसमेंट जो होती थी वो 16 मई 2022 को हुई थी और इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 29 मई 2022 है। फ्रेंड, इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे हम ऊपर को तो हमारे सामने इसकी वैकेंसियों पोस्टों भी आ जाएंगी और इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी वैकेंसियों की बात की जाए तो इसमें बुक राइडर, लेस्कर, डिस्पैच राइडर, एम्प्टी ड्राइवर, सिनेमा ऑपरेटर, कॉपी होल्डर, क्रेन ड्राइवर, खादिम मस्जिद, जूनियर टाइम कीपर, लाइब्रेरी अटेंडेंट, मौजन, पुलिस कांस्टेबल और ट्रेसर, ये इनकी वैकेंसियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जेंडर में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इसके एडवर्टाइजमेंट पढ़नी है तो ये यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर जॉब एडवर्टाइजमेंट अमेज। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट इसकी मिल जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर को तो फ्रेंड, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये इसकी एडवर्टाइजमेंट आ गई है। आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना और फिर अपनी पोस्ट और क्वालिफिकेशन के मुताबिक उसमें अप्लाई करना। और आप इस एडवर्टाइजमेंट को यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड इमेज। तो फ्रेंड, मैं बैक करने लगा हूँ। बैक करने के बाद इसमें अप्लाई कैसे करना है ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड आपने उसके ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपने सिंपल यहाँ पर अपने ब्रांच को सिलेक्ट करना है, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। आपने किस पोस्ट में अप्लाई करना है, यहाँ से आप अपने पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने पुलिस कांस्टेबल को सिलेक्ट कर लिया है और इसमें पुलिस कांस्टेबल की जो एडवर्टाइजमेंट है वो बता दी है। इसकी एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए और इसकी हाइट जो है वो 5 फीट 7 इंच है। आई साइट जो है इसकी 6x6 होना लाजमी है और इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक पास होना लाजमी है, मैट्रिक से कम ना हो। ये सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड, आपने सिंपली अपना जो सा है नीचे करेंगे तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ये आपने फिल करनी है। मैट्रिक में मैट्रिक साइंस है या आर्ट्स है, इसका CGPA कितना आया था, टोटल मार्क्स कितने थे और यूनिवर्सिटी या लाहौर बोर्ड कौन सा था ये आपने सेलेक्ट करना है। इसके नीचे फ्रेंड आपने फुल नेम लिखना है, बे फॉर्म लिखना है, अपना फादर नेम लिखना है, ये सब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना है अच्छे तरीके से, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें। ये फिल करने के बाद फ्रेंड आपने सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, आपकी दरख्वास्त अप्लाई हो जाएगी। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।